एमएस एक्सेल में हम आज पॉन्ड ग्रुप थोड़ा पढ़ेंगे। डिटेल में तो एमएस वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन एमएस एक्सेल में थोड़ा इसको टच करते हैं। अच्छा, इधर से भी हम क्लिक करके ये ले सकते हैं फॉन्ट ग्रुप, और उधर से भी, इन दोनों जगह पर हम क्लिक करके फॉन्ट ग्रुप को एक्टिवेट कर सकते हैं। Ctrl 1 से शॉर्टकट ही है इसका। जैसे हम प्रेस करेंगे, देखो फॉन्ट पे क्लिक किया तो इधर से भी क्लिक करके लेके आ सकते हैं फॉन्ट ग्रुप को। चलो हम इसको ले लेते हैं शिफ्ट के साथ। हम जो पहला वाला रो है इसको पकड़ लेते हैं, टैब राइट कर लेते हैं। तो ये पकड़ने के बाद हम इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइटिंग थोड़ा बड़े कर देते हैं, बड़ा हो गया। इसके बाद हम बोल्ड कर लेते हैं, इटालिक कर लेते हैं। चलो ठीक, इसको अभी हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं टेबल पे, अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर अप्लाई हो चारों तरफ, तो हम इस तरह और यहाँ पर क्लिक करके बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने टेबल को सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। तो हम इसके बाद चेंज करते हैं थोड़ा, ये वाला नाम भी चेंज करते हैं, जितने भी नाम है इसको कलर देते हैं, नाम को कलर देते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट शिफ्ट डाउन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट होने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड कलर हो गया। चलो कलर सेलेक्ट करते हैं, लाइट ब्लू कर लेते हैं, सेलेक्ट ओके। अच्छा थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड करने के बाद देखो किस तरह आ रहा है। आप इस तरह चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप को, इस तरह अप्लाई कर सकते हैं टेबल में। कोई भी वैल्यू और कॉलम आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेबल में आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है, एमएस वर्ड की तरह ही है, एमएस एक्सेल में भी।